हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी टीचर रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज हुई है और इसमें 205 परमानेंट पोस्ट है। इस पर ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो मैंने बनाई हुई है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। अब उसमें कमेंट सेक्शन में काफ़ी सारे क्वेश्चन रहते हैं, जैसे कि क्या दो पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अपियरिंग वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, फाइनल ईयर वाले कैंडिडेट, एग्जाम सेंटर्स कहाँ होंगे, पासिंग मार्क्स क्या होगी, सिलेक्शन कैसे होगी, सैलरी क्या होने वाली है। तो इन सब चार पांच मेन पॉइंट्स को कवर करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले शुरू करेंगे कि रिक्रूटमेंट नोटिस नंबर क्या थी। AEES/01/2022 एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। परमानेंट पोस्ट है इसमें 205 है, 15 सेंटर, 15 लोकेशन है जहां पर पोस्टिंग हो सकती है। इसमें प्रेफरेंस आप दे सकते हैं। ये 15 जो लोकेशन ऑफ सेंटर्स लिखे हुए हैं यहां पर ही जॉब होगी, इनमें से ही कहीं पर इस पे, लेकिन आप प्रेफरेंस अपनी दे सकते हैं कि कहां पर आप ज्वाइन करना चाहते हैं वो प्रेफरेंस। सब्जेक्ट PGT, TGT, PRT, प्रेप, लाइब्रेरियन और PRT म्यूजिक के लिए कुल मिला के 205 पोस्ट हैं। इतनी जानकारी हम सबको पहले से हो गई है। क्वालिफिकेशन के लिए मैंने एक वीडियो, फीस के लिए सभी के लिए एक वीडियो मैंने सेपरेट बनाई हुई है, आप प्ले लिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में खास पॉइंट्स हम क्या कवर करेंगे, सबसे पहले कि एग्जाम सेंटर्स कहाँ होने वाले हैं, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगी। सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपका आंसर कर रही हूँ कि क्या एक से ज्यादा पोस्ट के लिए एप्लीकेशन डाल सकते हैं। पेज नंबर यहाँ ऊपर देखे 6 है, पेज नंबर 6 में 5.9, अ कैंडिडेट में अप्लाई फॉर मोर देन वन पोस्ट इफ ही और शी एलिजिबल एंड डिजायर्स टू डू सो। अ कैंडिडेट में अप्लाई फॉर मोर देन वन पोस्ट, एक से ज्यादा पोस्ट के लिए एप्लीकेशन डाल सकते हैं अगर आपकी इच्छा है और आप एलिजिबल हैं तो। ऐसे केस में आपको सेपरेटली विल हैव टू अप्लाई सेपरेटली एंड पे द रिक्विजिट फी फॉर ईच ऑफ द एप्लीकेशन। हाउएवर ए कैंडिडेट शैल नॉट अप्लाई फॉर मोर देन वन सब्जेक्ट इन द सेम पोस्ट। अ कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर PGT बायोलॉजी शुड नॉट अप्लाई फॉर अदर PGT पोस्ट। मतलब PGT में ही दो अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अप्लाई मत कीजिए, बट अलग अलग पोस्ट आप कर सकते हैं। जैसे कि आप PRT करना चाहते हैं और TGT में भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, PGT में करना चाहते हैं और TGT में करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो इस तरह से दो अलग अलग पोस्ट के लिए कर सकते हैं, लेकिन एक ही पोस्ट में अलग अलग सब्जेक्ट के लिए नहीं कर सकते। तो होप ये क्लियर है। तो दो पोस्ट के लिए अलग अलग कर सकते हैं, उसके लिए अलग अलग एप्लीकेशन फी हो देनी होगी और अलग अलग अप्लाई फिर से वापस दो बार करना होगा आपको। तो पहली क्वेरी ये है, एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, CBT पहला होगा, CBT और इसके बाद कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। इस पे फिर क्वालिफाइंग मार्क्स जो लाएंगे उनके लिए फिर हो जाएगी स्किल टेस्ट, दूसरी हो जाएगी आपकी स्किल टेस्ट। तो पहला होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT, दूसरी होगी आपके जो पास हो जाएंगे उसमें क्वालिफाइंग मार्क्स है वो हो जाएगा। तो फिर आप दूसरे स्टेप में है स्किल टेस्ट, और उसके बाद स्किल टेस्ट होने के बाद फिर मेडिकल टेस्ट, उसके बाद मेडिकल टेस्ट होगी, मींस नॉर्मल एग्जामिन किया जाएगा मेडिकली। तो और मॉक टेस्ट CBT के लिए अवेलेबल होगी, जैसे आप फिल करेंगे तो बाद में अवेलेबल कराई जाएगी मॉक टेस्ट, जो तैयारी करना चाहते हैं कि कैसा होगा CBT, हम कभी बैठे नहीं CBT मोड में, एग्जाम अगर नहीं दिया तो, या आप इसके कैसे एग्जाम होंगे। तो इसके लिए अब इसमें कैसे 100 मार्क्स के मल्टीपल चॉइस, CBT है तो ऑब्वियसली आपको लिखने को तो पॉसिबल नहीं हो भी सकता है, लेकिन यहाँ पे 100 मार्क्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स के रहेंगे टोटल, और 2 आवर 30 मिनट्स दिया जाएगा। निगेटिव मार्किंग नहीं है, देर इज नो निगेटिव मार्किंग। 100 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन पेपर रहेगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, 2 आवर्स 30 मिनट्स लगेंगे और निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। इसमें क्या क्या रहेगा, जनरल नॉलेज, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, टीचिंग मेथोडोलॉजी एटसेट्रा, ये सब नॉर्मल रहेगा सभी के लिए, और बाकी फिर सब्जेक्ट के स्पेसिफिक रहेगा। जैसे PGT कंप्यूटर साइंस है तो कंप्यूटर से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस रहेंगे पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के, अगर PGT के लिए है तो। इसमें कुल मिला के, टोटल मिला के ये सारे आपके 100 मार्क्स के क्वेश्चन, 100 मार्क्स के क्वेश्चंस रहेंगे, 100 क्वेश्चंस रहेंगे 1 मार्क ईच, 100 मार्क्स के 100 क्वेश्चंस 1 मार्क ईच, 2.5 घंटे का समय, नो निगेटिव मार्किंग। अब इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स भी है, अनरिजर्व्ड एंड EWS कैटेगरी के कैंडिडेट अगर 60% या अबव स्कोर कर लेते हैं, मतलब 100 में से 60 या 60 से ज़्यादा स्कोर कर लेते हैं, तो फिर उनकी शॉर्टलिस्टिंग हो जाएगी सेकेंड स्टेप स्किल टेस्ट के लिए। और SC ST OBC एंड PWD कैंडिडेट अगर 54% मीन्स 54% ले आते हैं अगर स्कोर, तो वो एलिजिबल हो जाएंगे, शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे नेक्स्ट
स्टेप स्किल टेस्ट के लिए। और स्किल टेस्ट में क्या करना होगा, स्किल में डेमो क्लास होगी, चॉक एंड बोर्ड बेस्ड टेस्ट फॉर टीचिंग स्किल्स। स्किल मतलब टीचर के लिए टीचिंग स्किल होती है, तो वो चॉक एंड बोर्ड आपको दिया जाएगा, इस पर आपको पढ़ाना होगा। तो इंटरव्यू नहीं होगी, बट इसमें ही क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, जैसे कि जब आप बोर्ड पर पढ़ा रहे होते हैं तो जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक या और ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, तो वो इंटरव्यू हो गया उसी में। इसके बाद मेडिकली एग्जामिन कर लिया जाएगा। ये तीन स्टेप्स हैं। सैलरी के लिए मेरी एक ब्लॉग है, वो आप विजिट कर सकते हैं, AEES परमानेंट टीचर। इसमें सैलरी क्योंकि एग्जैक्ट आइडिया तो नहीं, बट आपको रफ आइडिया कि PRT एंड PRT म्यूजिक के लिए सेल वन ऑफ लेवल 6 ऐसा लिखा है, तो बेसिक पे 35,400 की होगी, तो 50,000 अराउंड मंथली सैलरी होगी। और इसमें प्लस माइनस होगा क्योंकि मेट्रो सिटीज़ में थोड़ी HRA ज़्यादा होती है और बाकी जगह पे HRA कम होती है, हाउस रेंट। TGT एंड लाइब्रेरियन के लिए जो पे स्केल है वो सेल वन ऑफ लेवल 7th पे स्केल जो अभी चल रहा है, तो 44,900 की रुपीज़ की बेसिक हो गई, अलावेंसेज वगैरह ऐड कर दिए जाए तो 70,000 रुपीज़ के अराउंड मंथली सैलरी बनेगी। इसमें प्लस माइनस आप कर सकते हैं। PGT सेल वन ऑफ लेवल 8 में 47,600 की बेसिक पे होती है, तो अराउंड 75,000 ग्रॉस सैलरी है, सभी ग्रॉस सैलरी। इसमें फिर डिडक्शन होते हैं, डिडक्ट होके सैलरी आपके हाथ में कट होके फिर आती है, तो ये ग्रॉस सैलरी है। तो PRT के लिए लगभग 50,000, TGT एंड लाइब्रेरियन के लिए लगभग 70,000 और PGT के लिए लगभग 70,000-75,000 ऐसे ही रहेगा। इसके बाद आपकी नेक्स्ट क्वेरी रहती है कि एग्ज़ाम सेंटर्स कहाँ होने वाले हैं। लास्ट डेट जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन की वो 12 जून है फिलहाल, उसके बाद ये कभी कभी एक्सटेंड भी होती है डेट, तो वो अपडेट आपको मिलेगी। एग्ज़ाम की डेट अभी अनाउंस नहीं की गई है। एग्ज़ाम कहाँ कहाँ पर होंगे, बहुत सारे कैंडिडेट्स की क्वेरी है कि एग्ज़ाम कहाँ पर होंगे। रिवाइज फाइनल आंसर की विल बी मेड अवेलेबल फॉर पब्लिक व्यूइंग फॉर ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ 10 डेज ओनली फ्रॉम द डे ऑफ पब्लिशिंग इन AEES वेबसाइट। तो जब फाइनल आंसर कीज आएंगे, आप एग्जाम में अपियर हो जाएंगे, फाइनल आंसर कीज आएंगे तो AEES की ऑफिशियल वेबसाइट पर होंगे और मैं शायद उसकी वीडियो भी आपको अपडेट करूंगी। अब इसमें जो है वेन्यू ऑफ CBT एंड स्किल टेस्ट, तो CBT के लिए भी जाना होगा, स्किल टेस्ट के लिए भी जाना होगा फॉर ऑल पोस्ट। तो कहाँ कहाँ पे सेंटर है, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, कोची, गुवाहाटी, अहमदाबाद, इंदौर, प्रयागराज, हैदराबाद, बेंगलुरु, लखनऊ, तो ये इतने सारे हैं। टोटल 12 सेंटर्स हैं जहां पर, इनमें से कोई आप पिक कर लें, जहां पर आप आपके नियरेस्ट लोकेशन है जहां आप जाकर आसानी से CBT और स्किल टेस्ट, क्योंकि CBT के बाद फिर स्किल टेस्ट के लिए भी बुलाया जाएगा, तो इन्हीं सेंटर्स में से कहीं पर बुलाया जाएगा। तो ये हैं आपके एग्जाम सेंटर। एक और थे, फाइनल ईयर वाले कैंडिडेट एलिजिबल है या नहीं है। यहाँ पर देखिए ये जो पेज आती है इसमें आपकी FAQ सेक्शन है। FAQ सेक्शन में सबसे लास्ट है क्या, कैन अपियरिंग कैंडिडेट अप्लाई फॉर द पोस्ट। तो उन्होंने खुद ही आंसर कर दिया, कैंडिडेट हु हैव नॉट एक्वायर्ड द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज ऑन क्लोजिंग डेट ऑफ रिसिप्ट। यहाँ पे 8 जून लिखा लेकिन 12 जून है एक्चुअली। तो जो लास्ट डेट है 12 जून तक, आपके पास अगर आपकी सर्टिफिकेट नहीं है फाइनल ईयर वाले, तो फिर आप एप्लीकेशन नहीं कर सकते। मतलब 12 जून तक आपकी जो भी फाइनल ईयर के जो भी सेमेस्टर है, फाइनल सेमेस्टर है या फाइनल ईयर है, उसका मतलब क्लियर हो जाना चाहिए, वो सर्टिफिकेट होनी चाहिए फिर उस डेट तक, तभी एप्लीकेशन कर सकते। इसका मतलब ये हो गया कि फाइनल ईयर वाले अभी एप्लीकेशन नहीं कर सकते, या आ रही है आपकी रिजल्ट आने वाली है तो फिर आप कर सकते हैं। 12 जून तक लेटेस्ट आपके हाथ में होनी चाहिए आपके जो सर्टिफिकेट है। फिर से एक बार देख लेते हैं, कैंडिडेट्स हु हैव नॉट एक्वायर्ड द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज ऑन क्लोजिंग डेट नीड नॉट अप्लाई। तो क्लोजिंग डेट पर आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कंप्लीट समाप्त हो जानी चाहिए। तो ये सारी क्वेरी, और भी कुछ क्वेरी अगर रह गई हो तो आप पूछ सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस, सैलरी, पासिंग मार्क, अप्लाई फॉर 2 पोस्ट, यस, इफ एलिजिबल एंड इंटरेस्टेड, एग्जाम सेंटर, सब मैंने इस वीडियो में कवर किया आपके लिए।